बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझ पर विश्वास रखकर उत्तर नागपुर विधानसभा से मुझे चुनाव लड़ाने का जो निर्णय लिया, इसलिए मैं बहन जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसी के साथ महाराष्ट्र के प्रभारी खासदार डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरे उम्मीदवारी के लिए और महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 14 अक्टूबर को इंदौरा मैदान में उम्मीदवारों का प्रचार करने आ रही हैं। मैं बताना चाहूँगा कि 14 अक्टूबर 2006 को उसी इंदौरा मैदान में बहन जी ने बहुत बड़ी जनसलाब सभा ली थी और उसके बाद में फिर बहन जी दूसरी मर्तबा इंदौरा मैदान में आ रही हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि बहन जी के आने के बाद में चित्र कुछ अलग नज़र आएगा और मैं बड़े लीड से चुनाव जीतने का काम करूँगा, क्योंकि जो वर्तमान आमदार है डॉक्टर मिलिंद माने, उसकी छवि बहुत ख़राब है और जनता उसको क्षेत्र में घुसने नहीं दे रही। आप मीडिया में कई क्लिप घूम रही हैं, उनको जनता उनको भगा रही है कि 5 साल तक आप कहाँ थे, हमारी क्या समस्या आपने छुड़ाया क्या, इसलिए उनको जनता नकार रही है। वो निष्क्रिय आमदार करके उनकी छवि बनी है। 15 साल तक कांग्रेस के आमदार रहे डॉक्टर नितिन राउत जी, 7.5 साल तक मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन उत्तर नागपुर का विकास नहीं किया, अच्छा हॉस्पिटल नहीं खोला, स्विमिंग पूल नहीं खोला, अच्छी स्कूल नहीं खोली, अच्छी सड़कें नहीं बनाई और झोपड़पट्टी के लोगों को मालकी हक के पट्टे नहीं दिया। और झोपड़पट्टी के पानी की समस्या जैसी की वैसी रखी, बिजली की समस्या वैसी रखी और शौचालय की समस्या जैसी की वैसी रखी, इसलिए उसको भी 15 साल को देखने वाले आमदार को जो जनता नकार रही हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उसी विधानसभा क्षेत्र में जन्मा, एक सर्वसाधारण कार्यकर्ता करके मैंने काम किया और एक सर्वसाधारण कार्यकर्ता करके मैं बहुजन समाज पार्टी जब काम करते रहा तो अनेक पदों पर रहकर आज मैं प्रदेश अध्यक्ष बनकर उसी क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। 24 घंटा लोगों के सुख दुख में आता हूँ, चाहे वो लैटरी का विरोध का आंदोलन हो, चाहे वो लोगों NIT का आंदोलन हो, चाहे वो कारपोरेशन के हो, चाहे ईटभट्टा आंदोलन हो, चाहे अनेक जो जो समस्या लोगों की रही है, शिक्षा के लिए समस्या हो, लोगों के एजुकेशन के लिए समस्या हो, या कोई हॉस्पिटल की समस्या हो, या कोई पुलिस स्टेशन की समस्या हो, जब जब कभी पर भी प्रशासन की ओर से जनता पर अन्याय अत्याचार किया जाता है, सुरेश साखरे अग्रसर भूमिका लेकर मतदाताओं के बीच में कंधे से कंधा लगाकर अगुवाई करने का काम करते हैं। तो इस बार लोगों ने लिया है कि ये दोनों प्रत्याशी को आजमाया है, इन लोगों ने काम नहीं किया तो एक फ्रेश चेहरा, फ्रेश एक नाम, अच्छा कार्यकर्ता, लोगों के झटने की, लोगों की समस्या सुलाने वाला कार्यकर्ता, ये मेरी छवि बनी हुई है। और बहुजन समाज पार्टी के मेरे सारे वरिष्ठ पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी और हमारे 10 नगर सेवक मेरे प्रचार में रात दिन मेहनत कर रहे हैं, बड़ी बड़ी छोटी छोटी मीटिंगें लेकर लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। हमारा पूरा कैडर जो कार्यकर्ता है बड़े ताकत के साथ मेरे साथ में काम कर रहा है। और आंबेडकरी जनता ने एक निर्णय लिया है कि क्यों ना इस बार बाबा साहब के हाथी चुनाव चिन्ह को विधानसभा में भेजने का काम करें, इसलिए आंबेडकरी जनता ने निर्णय लिया है कि अब ना ऐसा निर्णय लिया है, चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। इस आधार पर मतदाताओं ने निर्णय लिया और 21 तारीख को मतदाता हाथी के सामने के बटन दबाएगा और 24 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उत्तर नागपुर से मैं आमदार आप लोगों के बीच में नजर आऊंगा और उसे स्वाभिमान जो आंबेडकर जनता है उनका पूरा मुझे पूरा समर्थन और सहयोग मिल रहा है। इसी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मेरी जीत निश्चित है। उत्तर नागपुर के साथ साथ में उमरेड की सीट मजबूत है हमारी, हमारी वासिम की सीट मजबूत है, हमारी जालना की सीट मजबूत है, ऐसी 5-6 सीटें हमारी जो मजबूत है, इस बार हम निश्चित ही 5-6 सीटें जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद।